दुनिया के अनोखे ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुनिया ज्ञान चैनल को, और अगर आपको दुनिया से भी बाहर का ज्ञान चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी चैनल को, जो भी आपका दिल करे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से दुनिया ज्ञान चैनल में एक नए ज्ञान भरे एपिसोड के साथ। दोस्तों, सिडनी का ओपेरा हाउस पूरी दुनिया का एक फेमस बिल्डिंग है। यह ओपेरा हाउस न सिर्फ बल्कि सिडनी का, पूरी ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रतीक बन चुका है। ये एक आर्ट सेंटर है, मतलब यहाँ पे नाच गाना ये सब सभी हो सकता है। इस बिल्डिंग के मेन डिज़ाइनर थे जॉन उडसन, लेकिन इस बिल्डिंग की डिज़ाइन कंप्लीट की गई थी पीटर हॉल के द्वारा। ओपेरा हाउस को फॉर्मली लोगों के लिए खोल दिया गया था 20 अक्टूबर 1973 को। सिडनी के ओपेरा हाउस में एक साथ ही 1500 परफॉर्मेंसेस हर साल होते हैं, और हर साल यहाँ पे 8 मिलियन से भी ज़्यादा विजिटर्स विजिट करते हैं। 2007 के 28 जून में सिडनी ओपेरा हाउस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। दोस्तों, दुनिया के नए 7 अजूबों के नॉमिनेशंस में भी सिडनी ओपेरा हाउस का नाम आया था, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया के नए 7 अजूबों में इसका नाम शामिल नहीं किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1959 में, और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई थी 1973 में। सिडनी ओपेरा हाउस को बनाने में टोटल खर्चा आया था 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सिडनी ओपेरा हाउस का टोटल हाइट है 65 मीटर। इस ओपेरा हाउस में सब कुछ है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार्स एक्सेट्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और इसकी डिज़ाइनिंग 3 स्टेप्स में कंप्लीट की गई थी। दोस्तों, बहुत से कारणों की वजह से इसका जो मेन डिज़ाइनर था जॉन उडसन, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सिडनी ओपेरा हाउस को बनाने में इतना वक्त इसीलिए लगा क्योंकि इसको बनाने के दौरान बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और इसको बनाने वाले वर्कर्स के बीच में भी। तो इसीलिए जॉन उडसन डीमोटिवेट होके इस प्रोजेक्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और फाइनली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया के ही एक आर्किटेक्ट पीटर हॉल ने। सिडनी ओपेरा हाउस को इनॉग्रेट किया था ऑस्ट्रेलिया की रानी एलिजाबेथ सेकेंड ने। सिडनी ओपेरा हाउस के इनॉग्रेशन और ओपेरा हाउस के ओपनिंग सेरेमनी में इसी के मेन डिज़ाइनर जॉन उडसन को नहीं बुलाया गया था, लेकिन जॉन उडसन के सम्मान में यहाँ पे एक रूम उडसन रूम करके रख दिया गया। इस ओपेरा हाउस का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। इस ओपेरा हाउस में पहला परफॉर्मेंस करने वाले आदमी का नाम था पॉल रॉबिसन। सिडनी के ओपेरा हाउस में बहुत इंडियन परफॉर्मर्स भी अपना परफॉर्मेंस करने जाते हैं। इसके सुंदर डिज़ाइनिंग की वजह से इस ओपेरा हाउस को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले जा चुके हैं। उनमें से कुछ है RAIA मेरिट अवार्ड 1974, मेरिटोरियस लाइटिंग अवार्ड 1974, RAIA सिविक अवार्ड 1980। तो यही सब कारण की वजह से ये खूबसूरत सा बिल्डिंग ना सिर्फ बल्कि सिडनी का, पूरी ऑस्ट्रेलिया का ही एक पहचान बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए ज्ञान भरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ज्ञान बनाते जाइए, ज्ञान बांटते जाइए, क्योंकि दुनिया में यही है जो बांटने से कम नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।